सपने में पूरा रोहित को कहते हैं वड़ा पाव. Yes, but he killed everything and just set the platform for Indian victory. Hitman, he is called Hitman for a reason. मतलब मैं मुझे जो stand मिला था मुझे expected था कि यहाँ पे ही six आएगा और वहाँ पे ही दो six आए रोहित शर्मा के. तो बढ़िया मतलब क्या बोलते हैं ना dream come true. और रिकी पॉन्टिंग के बाद कोई अच्छा पुल मारता है fuller of the ball वो मैं कहूँगा रोहित शर्मा ही है. रोहित शर्मा मतलब कमाल की टच में पूरा वर्ल्ड कप इतनी अच्छी बैटिंग इतने प्यारे शॉट. जी जी मैम रोहित शर्मा बीच में फॉर्म में नहीं थे आउट ऑफ टच थे नॉट इन फॉर्म लेकिन अभी जैसा फॉर्म उनका चल रहा है वैसा भगवान करे बरकरार रहे पूरे वर्ल्ड कप में क्योंकि वो मतलब कैसा खेल रहे हैं कि मतलब फॉर्म ऑफ हिज लाइफ जैसे बोल रहे हैं मतलब फ्रंट फुट पे पुल मारना इज़ नॉट एन ईजी जॉब. और रिकी पॉन्टिंग के बाद कोई अच्छा पुल मारता है फुलर ऑफ द बॉल वो मैं कहूँगा रोहित शर्मा ही है. आज की डेट में रोहित शर्मा इज़ द बेस्ट पुलर ऑफ द. रोहित शर्मा ने पहली स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी टीम इसकी वजह से पूरा स्कोर अच्छा चल पाया आगे बहुत अच्छा. इट वाज अमेजिंग विराट कोहली आई एम विराट कोहली सबने अच्छा परफॉर्म किया रिस्पेक्ट इंडिया 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 इंडिया. रोहित शर्मा की बैटिंग कैसी लगी? किसकी बैटिंग? रोहित की बैटिंग आप बता सकते हो? हिटमैन फुल हिटमैन भाई पूरा जबरदस्त फॉर्म है आजकल. नहीं उन्होंने तो एक अच्छी स्टार्ट दी थी इंडिया को उन्होंने जो जैसे स्ट्राइक रेट से स्टार्ट किया था वो बहुत सही था एंड उसके बाद इन लोगों ने पारी अपना बनाया तो दैट वाज रियली नाइस. रोहित शर्मा की बढ़िया जो सिक्स लगाए रोहित शर्मा ने मतलब मैं मुझे जो स्टैंड मिला था मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे ही सिक्स आएगा और वहाँ पे ही दो सिक्स आए रोहित शर्मा के. तो बढ़िया मतलब क्या बोलते हैं ना ड्रीम कम ट्रू वो सबसे. बहुत अच्छा लगा रोहित शर्मा की बैटिंग जो जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया इस गेम को ताकि हम टारगेट जल्द से जल्द अचीव कर सके बहुत ही अच्छी रही बैटिंग रोहित शर्मा. अच्छा लगा बहुत मजा आया. इट वाज नाइस आई लव दैट पर्टिकुलर पुल शॉट. He did like that at six. That was something like awesome. I know he was not able to do his 50, but still the entire team was doing pretty well. Kohli is playing like his 50 is done already. So I think India will for sure will win the match. But I think 10 overs will be spared for sure. बहुत धुआंधार batting थी और बस उनका half century miss हो गया तो उसका ही बुरा लग रहा है लेकिन उनके shots जो है World Cup में एक अलग ही level पे खेल रहे हैं मतलब Rohit Sharma is back after gap of 2 years. बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि वो हमको फाइनल तक लेके जाएंगे और वर्ल्ड कप जिताएंगे. भारत माता की जय. फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस इट वाज ऑसम इट वाज फैबुलस. वी हैव वॉच्ड द आईपीएल बट दिस लेवल इज टोटली डिफरेंट एंड वी विल से इंडिया इंडिया इंडिया. रोहित शर्मा ने शुरू में तो मौज करा दी. शुरू में बहुत अच्छी मौज कराई बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया इंडिया को लेकिन फिर बाद में फिर किंग कोहली का कमाल तो दिखा और इससे दिखाई देता है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल हो सकता है और इंडिया 100% जीतेगा वर्ल्ड कप. ये फाइनल तो कोई नहीं कराना चाहेगा लेकिन मजा तो आएगा. नहीं 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 इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल. यस मैम हो भी सकता है. न्यूजीलैंड इज अ स्ट्रांग टीम और इंडिया तो बेहतर है ही तो इंडिया न्यूजीलैंड वी एक्सेप्ट स्ट्रांग टीम वी वॉन्ट अ स्ट्रांग टीम फॉर द फाइनल. And today's match was crazy. After 27 years, Pune में World Cup का match हुआ है तो सभी fans के लिए ये बहुत बड़ी बात है. पुणे में रोहित को कहते हैं वड़ा पाव. Yes, but he killed everything and just set the platform for Indian victory. प्यार से कहते होंगे. प्यार से absolutely with a beloved love, no doubt about it. Pull shots मतलब nobody plays pull shots better than him. That's for sure. So it is very pleasing to the eye. एकदम फर्स्ट क्लास. सिर्फ ये है कि उसका 50 नहीं हुआ बाकी कुछ नहीं लेकिन जो शॉट्स खेले रोहित शर्मा ने वो तो बहुत ही अच्छा है. उसको देखने के लिए आए थे ना उसको और विराट कोहली को रोहित को देखने के लिए आए थे. हम तो जीतने वाले कन्फर्म और जीतने वाले लेकिन रोहित शर्मा की बैटिंग देख के पैसा वसूल हो गया. हाँ वसूल एकदम वसूल पैसा वसूल. आधा घंटा भी करते थे ना तो सेंचुरी तो 20-25 बॉल में ही मारते थे. I wanted उसकी हाफ सेंचुरी हो जाए बट ठीक है मतलब उसकी पिछले मैचेस में बहुत अच्छी हुई थी तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी हो जाए सेंचुरी बट ठीक है. विराट ने पूरा कर दिया. हाँ 2011 CSK won 2011 इंडिया रिपीट हिस्ट्री पुनः रिपीट होना आणि इंडिया पुनः वर्ल्ड कप जिंकणार या वर्षी. तो रोहित ये है ना DRS लिया हुआ है ना धोनी का DRS रोहित को काम आएगा. अच्छा काम आएगा तभी हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे.